ओशो के विचार, धन कमाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला। धन का महत्व जीवन में कभी नकारा नहीं जा सकता। ये हमारे भौतिक जीवन को सुगम बनाता है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल धन अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य है? ओशो के अनुसार, धन कमाने की प्रक्रिया को एक कला के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक लक्ष्य के रूप में। उनके विचारों में ये स्पष्ट झलकता है कि धन अर्जन के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। धन का सही स्थान। ओशो कहते हैं कि धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसे साधन के रूप में देखना चाहिए, जो आपके सपनों और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना बन जाता है, तो ये लालच और तनाव को जन्म देता है। धन अर्जन का मुख्य उद्देश्य आपके और आपके परिवार के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि केवल समाज में प्रतिष्ठा या पहचान हासिल करना। पैसे कमाने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाएं। ओशो के अनुसार, किसी भी कार्य को आनंद के साथ करना चाहिए। अगर आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उसमें आनंद नहीं है, तो वह काम आपको थका देगा और जीवन में असंतोष लाएगा। धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपका मन रमता हो। ओशो कहते हैं, जो भी काम करो उसे एक खेल की तरह करो। अगर आप अपने काम में प्रेम और रचनात्मकता जोड़ते हैं, तो धन अपने आप आपके पास आएगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि केवल परिणाम पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धन कमाने और देने का संतुलन। ओशो का ये भी मानना था कि धन केवल लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। जो व्यक्ति धन कमाकर उसे दूसरों की भलाई में लगाता है, वही सही मायने में धनवान है। ओशो कहते हैं, धन एक ऊर्जा है, इसे रुकने मत दो, इसे बहने दो। जितना अधिक तुम दोगे, उतना ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि धन को संचित करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में लगाएं या जरूरतमंदों की मदद करें। यह आपको आंतरिक संतोष देगा और आपके जीवन में धन के प्रवाह को बनाए रखेगा। धन और आध्यात्मिकता का संबंध। अक्सर यह धारणा होती है कि धन और आध्यात्मिकता एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन ओशो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। वे कहते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ धन को त्यागना नहीं है, बल्कि उसके प्रति सही दृष्टिकोण रखना है। धन को कमाना और उसका उपभोग करना गलत नहीं है, जब तक आप उसके गुलाम नहीं बनते। उनके अनुसार, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का दास बनना गलत है। यहाँ ओशो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि धन अर्जन करते समय भी आपकी चेतना जागृत रहनी चाहिए। आप जो भी करें, उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें। धन अर्जन के लिए ध्यान और चेतना का महत्व। ओशो के अनुसार, ध्यान और चेतना धन अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहेंगे, तो आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें अपने अंदर की ताकत से जोड़ता है। जब तुम अपने भीतर के केंद्र में स्थिर हो जाते हो, तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। इसलिए धन कमाने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखना भी उतना ही जरूरी है। ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। संतोष और महत्वाकांक्षा का तालमेल। ओशो का ये भी मानना था कि जीवन में संतोष और महत्वाकांक्षा का तालमेल जरूरी है। केवल संतोष करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और केवल महत्वाकांक्षा रखने से आप कभी खुश नहीं रहेंगे। वे कहते हैं, संतोष का अर्थ है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि जो तुम्हें चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत करो। दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सही जीवन है। निष्कर्ष। ओशो के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ कमाना महत्वपूर्ण है। धन को साधन के रूप में देखें, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। अपने काम में आनंद लें, ध्यान और चेतना का अभ्यास करें और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। ओशो का संदेश यही है कि जब आप धन अर्जन को एक रचनात्मक और आनंदमय प्रक्रिया के रूप में अपनाएंगे, तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल होंगे, बल्कि आत्मिक रूप से भी संतुलित और सुखी रहेंगे। ये लेख ओशो की शिक्षाओं को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करता है। अगर आप इसे और अधिक व्यक्तिगत या विस्तृत बनाना चाहें, तो बताएं।